हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पल्लवी और आज मैं आपके लिए पनीर फिंगर्स की रेसिपी लेकर आई हूं, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से, ताकि हर कोई इसे घर पे बना सके। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई इंग्रेडिएंट या स्टेप मिस ना हो। तो आइए चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 300 ग्राम पनीर का ब्लॉक लिया है, इसे मैं फिंगर्स के शेप में कट करूँगी। तो इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, कट करें इसे और बिल्कुल फिंगर्स के शेप में इसे कट कर लें। इस तरह से पहले बीच से कट करके और इस तरह से फिंगर के शेप में कट कर लें। बहुत ज़्यादा पतला ना करें, नहीं तो पीसेस टूट सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से पीसेस आप कट कर सकते हैं। तो बिल्कुल फिंगर के शेप का दिख रहा है। अब इसे मैरिनेट करेंगे। तो इसमें मैं करीब 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इस तरह से स्प्रिंकल करके डालें ताकि हर पनीर में अच्छे से ये कोट हो सके। इसके बाद 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा मैं डायरेक्ट इसमें ग्रेट कर रही हूँ ताकि अच्छे से ये स्प्रिंकल होके हर पनीर में चला जाए। पनीर को मैरिनेट करना है अच्छे से, तो इस तरह से मैं स्प्रिंकल करके डाल रही हूँ। आप चाहें तो अदरक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट जब आप फ्रेश अदरक यूज़ करेंगे तो उसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है, क्रंच। इसके बाद मैं नमक ऐड कर रही हूँ। तो 1 छोटी चम्मच से मैंने नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ऐड की है। 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। एक चम्मच मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें क्योंकि नमक भी डला है। और 1/2 छोटी चम्मच मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही हूँ। और 1 चम्मच मैं लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धीरे धीरे से मिक्स करें, जितने मसाले हैं धीरे से इस तरह से कोट कर लें सारे पनीर को। और करीब 1/2 घंटे तक इसे मैरिनेट होके छोड़ देंगे। मैं 1/2 घंटे तक इसे फ्रिज में मैरिनेट करने के लिए रखूँगी। अगर आपके पास वक्त है तो और ज़्यादा भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मिनिमम 1/2 आवर ज़रूर इसे मैरिनेट करें। जो नीचे के पीसेज हैं उन्हें भी मसाले के साथ अच्छे से इस तरह से कोट कर लें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मैं स्लरी बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। स्लरी हमें थिक बनानी है तो पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के बाद मैं 1 चम्मच राइस फ्लोर ऐड कर रही हूँ। 1 से 2 चम्मच आप ऐड कर सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत हो, बट स्लरी बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। 1/2 चम्मच मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और पानी डाल के इसकी स्लरी बना लेंगे। स्लरी बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ध्यान में रखें। इसमें अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी इस तरह से ऐड करें और इसे मिक्स कर लें। और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करें ये रेसिपी, ताकि वो भी घर पे पनीर फिंगर की नई रेसिपी घर पे ट्राई कर सके। ये देखिए, इस तरह से इसे मिक्स कर लें ताकि कोई भी लम्प्स ना रह जाए इसमें। धीरे धीरे से इस तरह से मिक्स कर लें। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है और ना ही इसमें कोई लम्प्स है। तो अब इसे साइड में रख दें। इसके बाद हमें ब्रेड क्रम्स बनाना है। तो 4 से 5 यहाँ ब्रेड लेंगे और इसे पहले हमें रोस्ट करना है। आप चाहें तो साबुत ब्रेड को भी इस तरह से रोस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ तोड़ के रोस्ट कर रही हूँ ताकि अच्छे से और जल्दी रोस्ट हो जाए। मैं स्टेप बाय स्टेप इस्टे बता रही हूँ ताकि जो बैचलर्स हों या बिगनर्स हों उन्हें परेशानी ना हो। ये देखिए, इस तरह से आप इसे चलाते रहें, बिल्कुल धीमी आंच पे। तेज़ आंच पे रखेंगे तो ये जल भी सकते हैं। और जब अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, क्रंची हो जाए, उसके बाद इसे ठंडा करके आप इसे ग्राइंड कर लें। और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करें ये रेसिपी। बेल आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। तो ये आप देख सकते हैं, ये धीरे धीरे रोस्ट हो चुका है। तो अलट पलट के इसे रोस्ट करके ठंडा करके ग्राइंड कर लें। इसके बाद हमारा पनीर अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। तो अब चलते हैं इसकी कोटिंग करने। तो इस तरह से पनीर को स्लरी में ऐड करें, इस तरह से। ये देखिए, स्पून की हेल्प से इस तरह से करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। एक हाथ को आपको ड्राई रखना है इस तरह से। आप चाहे तो दोनों हाथ का यूज़ कर सकते हैं, मैं एक हाथ से ही आपको करके दिखा रही हूँ।
ऊपर से इस तरह से जहाँ जहाँ वेट है आप वहाँ पे इस तरह से कोट कर लें। और स्लरी अगर पतली होगी तो कोट नहीं होगी अच्छे से, तो स्लरी को थोड़ी थिक ही रखें। ये मैं अभी आपको एक करके दिखा रही हूँ और बहुत ही टेस्टी लगता है बच्चों को और पनीर हेल्दी भी है, तो ज़रूर ट्राई करिए रेसिपी। इस तरह से आप सारे पनीर को कोट कर लें। तो मैंने सारे पनीर को कोट कर लिया है, अब चलते हैं फ्राई करने। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल के प्री हीट कर लिया है इसे। जब ये तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद ही इसमें पनीर डालेंगे। ये देखिए तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो जितना पनीर इसमें आएगा आप उतना डाल सकते हैं। कढ़ाई में पनीर डालने के बाद तुरंत आप नहीं चलाएं इस तरह से, मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रही हूँ ताकि बैचलर्स हों या बिगनर्स उन्हें परेशानी बिल्कुल भी ना हो। तो एक तरह से जब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद ही आप पलटे के हेल्प से इसे टर्न करें। ये देखिए और बहुत ही टेस्टी लगता है, तो इस तरह से आप इसे टर्न कर सकते हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है और बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ, ताकि हर कोई इसे घर पे बना सके। और धीरे से इसे इस तरह से टर्न कर दें। तो अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो इसे इस तरह से निकाल लें। और इस तरह से मैंने सारी पनीर फिंगर्स को अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी और यम्मी रेसिपी है, तो एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करें। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये देखिए कितना टेम्पटिंग सा दिख रहा है, इसे गर्मा गर्म चटनी या केचप किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से ये सॉफ्ट और बाहर से काफ़ी क्रंची है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी और यम्मी रेसिपी है, तो एक बार ज़रूर बनाएं इसे। आप चाहें तो इसे फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब मन चाहे इसे फ्राई कर सकते हैं। और इसे गर्मा गर्म सर्व करें जब कभी गेस्ट आए तो बहुत ही टेस्टी लगता है। पनीर को मैरिनेट करके और कोट करके आप एक बॉक्स में स्टोर करके फ्रीज़र में रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। जब मन चाहे आप फ्राई करके भी खा सकते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।